मंच पर विराजमान मेहमानगण, क्षत्रिय संघ के संरक्षक साहब एवं संघ प्रमुख साहब को प्रणाम करती हूँ और विशाल संख्या में आप सब पधारे हुए आप सभी को नमस्कार करती हूँ कि आपके हृदय में ईश्वरी विराजमान है। आज अपन सब पूज्य श्री की जन्म शताब्दी समारोह में एकत्रित हुए हैं। पूज्य श्री ने एक संघ रूपी पौधे का बीजारोपण किया था और आज वो वट वृक्ष संघ परिवार के रूप में जो दर्शन दे रहा है वो अपन सब देख के कृतज्ञ धन्यता अनुभव कर रहे हैं। कईयों के मन में प्रश्न उभरते होंगे कि ये युग पुरुष कैसे होंगे जिनकी जन्म शताब्दी में इतना जनसलाब इकट्ठा हुआ है, वो कैसे होंगे? कई उनको जानते थे, कई उनके साथ में भी रह चुके हैं, कई उनकी गोद में खेल के बड़े भी हुए, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं है तो उनके मन में ये उत्कृष्टता रहती है कि वो कैसे होंगे। तो उनको जानना हो वो युग पुरुष कैसे हैं, कैसे थे, उनको जानना है तो हमें क्षत्रिय संघ से जुड़ना पड़ेगा। वो ही उनका विराट स्वरूप है। उनके लिखे हुए पुस्तकें हैं, संघ में संघ से जुड़ना पड़ेगा। हर संघ के खेलों के मैदान में वो हमें मिलेंगे या झनकार के गीतों में वो हमें मिलेंगे या बौद्धिक के पाठ पढ़ाते हुए हमें उनके दर्शन होंगे या हम यज्ञ की आहुति देते हैं उसी तरह हमें वो युग पुरुष के दर्शन होंगे, लेकिन उसके लिए हमें संघ से जुड़ना पड़ेगा। यही उनका स्वरूप है पूज्यश्री का। इस समारोह में महिलाओं की बहुत अच्छी सी संख्या देख के एक महिला होने के नाते विशेष अनुग्रह करूंगी माताओं से, बहनों से, बेटियों से कि अपने जीवन में क्षत्रिय संघ को लाओ, जीवन में क्षत्रिय संघ को उतारो। माता निर्माता होती है, चाहे वो मादा मतालसा हो, चाहे माता अनुसुईया हो, जीजाबाई हो, जयवंताबाई हो या फिर माता मोती कुंवर जी हो, सब चाहती है माताएं कि मेरे भी राम जैसा पुत्र हो, शिवाजी दुर्गादास महाराणा प्रताप जैसे पुत्र हो, मीराबाई लक्ष्मीबाई हाड़ी रानी या पद्मिनी जैसी पुत्रियां हो। हर एक माँ की इच्छा होती है और ये शक्ति तो माँ में ईश्वर ने विशेष रूप से दी है, पर उसके पाठ पढ़ने के लिए क्षत्रिय संघ में अपन को जाना पड़ेगा। वो ही ऐसे संस्कार देता है कि माता निर्माता कैसे बनी जाती है। आप पुत्री के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, जो भी हो, लेकिन एक माँ सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होती है और नारी में शक्ति है वो आप सबको पता है। माता अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुत्र बाल अवस्था में बना दिए थे, इतनी शक्ति नारी में ईश्वर ने विशेष रूप से दिए, तो हम भी वो ही माँ हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो संस्कार जीवन में लाने पड़ेंगे और वो संस्कार सिर्फ क्षत्रिय संघ की ही पाठशाला में पाए जाते हैं, वो संस्कारों का निर्माण करता है। तो कहते हैं ना, कोई बात नहीं, देर से उठे तो ही सुबह मिली, जब से जगे तभी से उसमें लगें। तो आज से एक मन में ये संकल्प लेके जाएं हम यहाँ से कि मुझे भी वही माँ बनना है, मुझे भी वही पुत्र ऐसे प्राप्त हो, ऐसे संस्कार लेने, मुझे भी वही पुत्रियाँ प्राप्त हो जो मेरी चाह है। तो आज से ही ये संकल्प लेके जाएं और क्षत्रिय संघ से जुड़ें, उसकी पाठशाला से ही हमें ये सब प्राप्त होगा। इसी के साथ जय संघ शक्ति। राष्ट्र व क्षत्रिय धर्म के प्रति समर्पित संपूर्ण जीवन श्री पूज्य धन सिंह जी का।